बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह किचन में मैं हाजिर हूँ। आज मैं चिकन के लेग पीस फ्राई विद सॉस के साथ बना रही हूँ। सबसे पहले मैं इसे मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लेग पीस को साफ धो के इसे कट करके रखा हुआ है। इसके लिए मैं सभी मसाले डालूँगी। सबसे पहले मैं अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के डालूँगी। दो टेबल स्पून दही डालूंगी। लेमन जूस है। यहाँ पे कश्मीरी चिल्ली पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, चिल्ली फ्लेक्स है, गरम मसाला है और हल्दी पाव टीस्पून है। इन सबको मिक्स करूंगी। दो टीस्पून में कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। हसबे जरूरत नमक। इसको मैरिनेट करके इसको 2 घंटे के लिए इस तरह से रखूंगी। 2 घंटे के बाद इसे फ्राई करूंगी और फिर सॉसेज बना के सॉसेज में डालूंगी। 2 घंटे हो चुके हैं, हमारा चिकन लेग मैरिनेट हो चुका है। अब इसे मैं अंडे में डीप करके उसे फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैं 3 अंडे ली हूँ, इसमें नमक डाली हूँ, इसे अच्छे से फेंटूंगी। चिकन को मैं अंडे में डीप करके कॉर्नफ्लोर लगाऊंगी और डीप फ्राई करूंगी। फ्राई हो रहा है तब तक हम यहाँ सॉसेज बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में तेल डाली हूँ, डालूंगी स्प्रिंग ऑनियन, प्याज को फ्राई में तक उसको फ्राई करना है। प्याज को हमें ट्रांसफर होने तक ही फ्राई करना है। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून, और हॉट एंड स्वीट सॉस 2 टेबल स्पून। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ली हूँ, पानी डाली हूँ, उसका बोल डाल दें। हमें सारी चिकन फ्राई हो चुकी है, सॉस हमारा बनके तैयार है। अब डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हर्ब, हरी प्याज, सारी चिकन लेग पीस को मैं सॉस में डालूंगी और 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। चिकन लेग पीस हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं गैस ऑफ करती हूँ और सर्व करती हूँ। Thank you.
चिकन लेग पीस विद सॉसेस के साथ बनके तैयार है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।